जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम उपस्थित हुए धनु राशि का जो है अप्रैल माह में धनु राशि वालों के लिए शनि का जो गुरु का जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि में कैसा रहने वाला है, क्योंकि समय का अभाव होता है दर्शकों। हम आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस संस्थान में, इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं कि आपके लिए जो है 6 अप्रैल से गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है और कैसा आप उसमें आभास करेंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं गुरु होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। इस कंडीशन में गुरु जो है आपके लिए लगन में एक नंबर और चतुर्थेश होते हैं। इस कंडीशन में आपके लिए जो है बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है, क्योंकि यदि आप लगन में कहा गया है कि आप आजीविका का जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे वो आपको नौकरी मिलेगी। जो आप शादी संबंधित मतलब आपके नहीं हो पाए थे वो 6 अप्रैल के बाद होगी, क्योंकि गुरु जो है अभी नीच के चल रहे थे गोचर में, आपको सारे समस्या से आपको परेशानी की है, हेल्थ में दिक्कत आई है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी में हुआ है, पैसा फंसा है, अपने पराये हो गए, सबसे आपको धोखा मिला है। लेकिन आप कुंभ राशि में गुरु विराजमान हो रहे मकर राशि छोड़कर 6 अप्रैल को ये रहेंगे 15 सितंबर तक, ये आपके लिए गुड लक है। इसमें जो आपके पीछे काम नहीं हुए 11 महीने में, मैं बताना चाहता हूँ कि आपके 6 अप्रैल से उस 15 सितंबर तक कोई नया अच्छा काम होगा, जैसे कि नौकरी, व्यापार, शादी, लेन देन और वो प्रॉपर्टी संबंधित आप कोई काम कर सकते हैं। संतान के लिए जो आपने खुशियाँ सजाई थी नहीं हो पाए थे, संतान का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जो चाहे भूमि संबंधित आपको कोई केस चल रहा था, इसमें आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। शनि की 7.5 भी चल रही है आपको, तो ऐसी कंडीशन में गुरु और शनि सम होते हैं। गुरु मंत्री होता है, शनि एक जो है ना जज होता है, दोनों का संबंधी बना है राज्यों, इसमें आपके लिए सफलता मिलेगी। 7.5 का भी जो है ना प्रभाव चल रहा है, जिससे आपको विलम्ब से काम होते हैं, रुक रुक के काम होते हैं, लेकिन गुरु जब कुंभ राशि में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 7.5 के लिए भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एक शांति मिलती है। गुरु जो है ना धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं गुरु का बल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में गुरु आपके स्वामी होते हैं धनुराशि वालों के लिए, गुरु की महादशा, गुरु का अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, या गुरु 6 बारा में हो या नीच के हो, ऐसी कंडीशन में वैदिक उपाय करना है। किसी वैदिक ब्राह्मण को गुरुवार के दिन अपने घर बुलाना है और मीठा भोजन खिलाना है और पीला गमछा उड़ाना है, पीला चंदन लगाना है, को दक्षिणा देकर उनकी सम्मान से विदा करना है, उनके पैर छीना है। ऐसे करने से आपका गुरु बलिष्ठ होता है और जो संतान से आपकी संतान परेशानी हो रही, संतान आपको होगी, या जिसकी मैरिज में मतलब बार बार नुकसान हो रहा, शादी नहीं हो रही है, धोखा मिल रहा, उनके लिए भी कहीं ना कहीं 6 अप्रैल के बाद ये अच्छी संबंध बनेंगे। यदि आपको बार बार बिजनेस में या नौकरी में दिक्कत हो रही है, तो आपको शक्तिशाली प्रतिष्ठा के साथ है सिलोनी श्रीलंका का एक पुरा रत्न धारण करना है, उससे भी आपको सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे पहनने से आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको बीपी समस्या परेशानी है या हार्ट में है या कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है खून में, उसके लिए आपके शक्तिशाली जो है आपको मूंगा रत्न धारण करना है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि के हिसाब से देखा जाए तो कुंभ राशि में गुरु का जो प्रभाव है वो सम रहेगा और एक अच्छा मित्रवत प्रभाव रहेगा और आप बड़ा काम कर सकते हैं। अभी आपका जब गुरु नीच का था, आपका स्वामी होता है, आपको तन से मन से धन से तोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपको बेचैनी और आपको आर्थिक स्थिति बहुत खराब की है, जिसके सामने आपने घुटने टेक लिए हैं, जिसके पास कोई काम के साथ आशा लगा गए उसने आपका काम नहीं किया, आपको निराश भेज दिया, पर घबराना ना, टेंशन में अब जो गुरु आपको देगा बहुत बलिष्ठ तरीके से फल देगा और आगे तरीके से आपको ले जाएंगे गुरु। वो गुरु ये सत्वगुणी हैं, आप अच्छा कर्म करें, अपने आप विश्वास रखें, सत्वगुणी जीवन जिए, किसी का बुरा ना सोचें, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होने वाली है। 15 सितंबर तक जो पड़ाव है, 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक, इसमें आपको ऐसा काम करेंगे बड़ा जिससे आपके जीवन में अच्छा होता दिखाई देगा और आप उससे करने के बाद खुश रहेंगे। कुटुंब के लिए अच्छा कर सकते हैं, परिवार के लिए, संतान के लिए, 3 चीज़ों के लिए आपकी समस्या बनी है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि शनि एक जज है, गॉड है, मजिस्ट्रेट है। जब वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि वालों के लिए गोचर जो होता है उस हिसाब से देखें तो लग्नेश और जो है चतुर्थेश होते हैं, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं, मन आपका स्थिर नहीं रहता तो मन स्थिर रहेगा और भूमि से आपको जो पैसा फंसा था पैसा मिल जाएगा, या भूमि को लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो कुंडली के हिसाब से जो है 2 नाम होते हैं व्यक्ति के, जन्म का एक प्यार का, ज्योतिष शास्त्र ईसा नेत्र है, कुंडली का विश्लेषण कराएं, गहराई में जाएं, फिर कोई डिसीजन लें, तब आपको सफलता मिलेगी।
और अपना ध्यान रखें। हमारे संस्थान से जो परामर्श देंगे हम आपको बताएंगे, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।